नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम सहलिश मेथड से जो है HB टेस्ट जो है आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, और उसके लिए जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए रिक्वायरमेंट। सबसे पहले चीज़ तो पूरा इसका जो है सहलिश का जो है पूरा सेट आता है, और उसमें जो है आपको ये आपको मिल जाएगा हीमोमीटर, और ये जो जैसे आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं सहलिश हीमोमीटर, तो इस तरीके से जो है आता है। कंपरेटर ट्यूब जो है इसमें दो आपको जो है दिखाई देंगे, और उसके बाद जो है ये HB का ट्यूब जो है आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है। HB जो है ग्राम परसेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है पूरा यहाँ से जो है रिमूव भी हो जाता है, और इसके लिए जो है यहाँ पर जगह दिया हुआ है, यहाँ पर जो है इंसर्ट करते हैं इसको। और दो जो है कंपरेटर ट्यूब जो है आमने सामने दिखा रहा है इसमें। और उसके बाद पीछे जब हम देखेंगे तो यहाँ से जो है लाइट सोर्स जो है आप जब इसमें लाइट का सोर्स जो है इसमें जब आप देंगे, ये जो है वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, उसकी मदद से जो है आपको ये इसमें जो है कंपेयर करना है दोनों ट्यूब से। और उसके बाद जो है आपके पास कॉटन स्वैब है, उसके बाद जो है लैंसेट है हमारे पास, और दो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है डिस्टिल वाटर, और उसके बाद जो है ये N/10 जो है HCl है, और उसके बाद जो है ये हमारे पास ड्रॉपर है, और ये जो है हमारे पास जो है HB के लिए जो है ये पिपेट है, और उसके बाद जो है ये ग्लास रॉड है जिसकी मदद से जो है हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट है। और सबसे पहले जो है हम प्रोसीजर में देखेंगे तो ये जो हमारे पास HB का ट्यूब है, इसमें जो है हमें यहाँ पर जो है 2 मार्क्स तक जो है हमें N/10 HCl जो है फिल करना है। तो सबसे पहले जो है हम N/10 जो है HCl इसमें जो है 2 मार्क्स तक जो है फिल कर लेंगे। तो मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। तो ये जो ड्रॉपर है हमारे पास, तो ड्रॉपर की मदद से जो है मैं यहाँ पर जो है 2 मार्क्स तक जो है N/10 HCl जो है यहाँ पर मैं डालूँगा, और ध्यान रहे इसमें जो है आपको जो है बहुत सावधानी पूर्वक डालना है, ताकि जो है अंदर तक जो है ये पूरा HCl जो है जाना चाहिए, और ना तो कम ना तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें देख लेंगे, ये 2 मार्क्स तक जो है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स तक जो है आपको इसको फिल करना है प्रॉपर तरीके से, और ये जो है 2 मार्क्स तक जो है फिल हो गया है। और उसके बाद जो है हमें अगला, अब इसमें जो है क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर स्टैंड में जो है आप रख देंगे, और उसके बाद जो है आपको ये जो पिपेट है आपके पास HB पिपेट, इसकी मदद से जो है हमें इसमें जो है यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है ये, ठीक है, 20 मार्क्स तक जो है आपको जो है यहाँ पर तक जो है आपको ब्लड लेना है। तो इसमें जो है 20 मार्क्स तक हम ब्लड लेंगे। तो इसमें जो है हम, हमारे पास लैंसेट है, और फिंगर प्रिक से जो है हम इसमें ब्लड ले लेते हैं, और इस तरीके से जो है आपको जो है इसमें 20 मार्क्स तक जो है ये कैपिलरी एक्शन से जो है अपने आप जो है ब्लड आपको जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर जो है टच कर देना है, और ब्लड जो है अपने आप ये जाता जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे जो है ब्लड जो है जा रहा है, तरीके से जो है ये देखिए आप, 20 जो है यहाँ पर माइक्रोलीटर लिखा है, यहाँ तक जो है हमने इसमें ब्लड फिल कर लिया। अब इसको जो है इसमें जो है मिक्स करना है, और इस तरीके से जो है आप इसको अंदर तक जो है ले जा कर के जो है आपको जो है इसको मिक्स कर देना है। अब यहाँ से जो है माउथ के द्वारा जो है हम इसको मिक्स कर देंगे पूरा, इस तरीके से जो है पूरा इसका ब्लड जो है यहाँ जाने के बाद जो है अब ये देख सकते हैं आपको जो इस तरीके से दिखाई देगा। और इसको जो है आप ये ग्लास रॉड जो है हमारे पास, इसकी सहायता से जो है इसको अच्छे से जो है मिक्स करके जो है
अब इसको जो है हमें 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट रखने के बाद जो है, अब जो है 10 मिनट हो गया है, तो 10 मिनट बाद जो है अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो घोल है आपका, ये जो मिक्स है, अब इसमें जो है हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डिस्टिल वाटर जो है इसमें डालना है, और उसके बाद जो है कलर जो है मैच करना है। ये हमारे पास ड्रॉपर है और ये है हमारे पास डिस्टिल वाटर, तो डिस्टिल वाटर जो है इसमें हम ऐड करते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और इसका कलर जो है हम मैच करेंगे, और कलर जो है जब हम मैच करेंगे तो जब तक इसको जो है डालते जाना है और मिक्स करते जाना है जब तक इसका कलर जो है ये कंपरेटर ट्यूब के साथ जो है मैच ना करे, तब तक जो है हमें इसमें डिस्टिल वाटर जो है ऐड करते जाना है। तो आपको जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इसमें डिस्टिल वाटर जो है डाल करके जो है इसको मिक्स करते जाना है, और उसके बाद जो है इसका कलर जो है आपको मैच करना है। हमारे पास जो है ग्लास रॉड है, उसकी मदद से जो है हम इसको मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद मैच करके कलर जो है मैच करके देखेंगे, तो अभी जो है आप देखेंगे तो इसमें जो है गाढ़ा कलर दिख रहा है, और भी जो है हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है डिस्टिल वाटर जो है इसमें ऐड करते जाएंगे। अब जो है हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते गए, और उसके बाद जो है इसमें रख करके जो है अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही कंपेयर करना है, नहीं तो ब्लड जो है नीचे रह जाएगा। और लाइट सोर्स में जो है हम रख करके इसको देखेंगे, और इसके पीछे जो है आप लाइट सोर्स जब इस तरीके से रखेंगे तो देखिए आपको जो है क्लियर जो है ये तीनों जो है आपको मैच करते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपके दोनों जो कंपरेटर ट्यूब जो हैं, और उसके बाद जो है आपका ये जो टेस्ट वाला HB ट्यूब जो है बीच वाला आपका, और जब हम इसकी रीडिंग लेंगे सीधे खड़े करके जो है हम अभी रीडिंग लेंगे, मैं जो अभी तिरछा करके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। अब जो है जब ये कलर जो है आपको तीनों जो है मैच करने लग जाए, तब आपको जो है इसको जो डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे थे वो जो है आपको स्टॉप कर देना है, जब तीनों का कलर जो है सेम आपको जो है दिखने लग जाए, ठीक है। तो ये लाइट सोर्स में आपको देखना है ताकि जो है आपको क्लियर जो है ये दिखाई देने लग जाए। अब इसको जो है हम रीडिंग जो है जब देखते हैं, तो ये जो है अभी हमारा जो है इसको मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, तो ये जो है रीडिंग जो है इसका अभी गया है ऊपर जो है 10.8 तक गया है, ठीक है। तो मतलब 11 होने में जो है 2 पॉइंट कम है, इसका मतलब जो है इसका HB जो है कम से कम जो है 11 जो है आ सकता है, मतलब 10 पॉइंट जो है 8 तक दे रहा है, तो आप जो है 10.8 जो है इसका आप दे सकते हैं। आपको जो है क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो 10 का निशान जो है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर तक जो है आ रहा है, बीच में जो है 11 है, उसके बाद ऊपर जो है 12 है, ठीक है, 10, 11 और 12, तो इसमें जो है ये जो है 10.8 तक जो है इसमें रीडिंग जो है आपको मिल रहा है। इसका मतलब इसका HB जो है आपको ग्राम परसेंटेज में देना है, ऊपर जो है इसमें लिखा भी है HB ग्राम परसेंटेज, तो इसका जो है आप 10.8 ग्राम परसेंटेज में है जो है इसका HB जो है आपको दे देना है। तो इस तरीके से सिंपल प्रोसीजर है, आपको जो है मैं फिर से रिपीट करके जो है आपको बता देता हूँ। और सिंपल प्रोसीजर में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपके पास ये N/10 जो है HCl है, ठीक है, तो N/10 HCl जो है इसमें जो है 2 मार्क्स तक जो है हमने लिया था, ठीक है, ये जो मार्क हमारे पास है 2 मार्क्स तक आपको लेना है। उसके बाद जो है ये आपके पास HB पिपेट है, तो ब्लड जो है आपको यहाँ तक 20 माइक्रोलीटर तक जो है लेना है। उसके बाद जो है इसको यहाँ मिक्स करना है अच्छे से, मिक्स करने के बाद जो है इसको आपको ये जो ग्लास रॉड है इसकी सहायता से जो आपको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट रखने के बाद जो है ये हमारे पास ड्रॉपर डिस्टिल वाटर जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे, और इसके साथ जो है हम कंपेयर करेंगे लाइट सोर्स की मदद से, और कंपेयर करेंगे देखते जाएंगे कलर कहाँ मैच हो रहा है, और जिस पॉइंट पे कलर जो है मैच होने लगे और आपको जो है डिस्टिल वाटर ऐड करना स्टॉप कर देना है, उसके बाद जो है इसकी रीडिंग आपको ले लेना है, ठीक है। तो नीचे से जब आप रीडिंग पढ़ेंगे ऊपर की तरफ, तो आपको जो है HB का रीडिंग जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है सहलीस मेथड से जो है HB करते हैं, बहुत ही सिंपल है। और जो है हिंदी में एक बार और हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ सहलीस की एसिड हेमेटिन विधि, और ये जो है एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है, और हमें जो है ये कंपलसरी आना चाहिए। आवश्यक सामग्री अगर हम देखते हैं, इसमें जो है सहलीस हीमोग्लोबिनोमीटर पूरे कांच के कंपरेटर बॉक्स के साथ आता है, ये वाला जो है दिख रहा है आपको,
और हीमोग्लोबिन परखनली टेस्ट ट्यूब है जो ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन पिपेट है जो हमने देखा था ये वाला, और उसके बाद जो है आपको N/10 HCl जो है, और डिस्टिल वाटर, ठीक है, और ड्रॉपर जैसा कि हमने जो है देखा है किस तरीके से होते हैं। तो ये हैं कुछ रिक्वायरमेंट जो है, ये पूरे बॉक्स जो आता है उसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाता है। अब जो है हम इसमें प्रोसीजर की बात करेंगे, तो प्रोसीजर जो है आपको बहुत सिंपल है, यहाँ पर हिंदी में जो है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जो है आसानी से समझ में जो है ये आ जाए, ठीक है। हीमोग्लोबिन परखनली टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले जो N/10 HCl आपको 20 के निशान तक जो है लेना है, उसके बाद हीमोग्लोबिन पिपेट में आपको 0.02 मिलीलीटर मार्क तक रक्त भरना है, उसके बाद पिपेट से जो है रक्त हीमोग्लोबिन ट्यूब में एसिड घोल में डालना है, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 3 बार एसिड रक्त मिश्रण खींच कर व बाहर निकाल कर जो है साफ़ करना है उसको। उसके बाद रक्त एसिड मिश्रण को ट्यूब में भली भांति मिलाकर करीब 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट रखने के बाद जो है उसमें घोल में जो है धीरे धीरे जो है आपको डिस्टिल वाटर रख के जो है कांच के कंपरेटर बॉक्स के साथ जो है मिलान करना है। फिर कंपरेटर बॉक्स को जो है अच्छे प्रकाश में देखना चाहिए और बूंद बूंद पानी तक जो है तब तक मिलाना चाहिए जब तक कंपरेटर बॉक्स के साथ जो है घोल का मिश्रण एक समान दिखाई ना दे, ठीक है। उसके बाद जो है अब हीमोग्लोबिन की मात्रा ग्राम प्रतिशत में लेना है जो हीमोग्लोबिन ट्यूब पर अंकित है, जैसा कि हमने लिया है प्रैक्टिकल में। और उसके बाद घोल मिश्रण की सबसे निचली सतह से जो है उसको पढ़ना है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है आपको रीडिंग लेना है। उसके बाद घोल मिश्रण को स्तर लेवल जिस ग्राम प्रतिशत तक जो है आपको दिखाई देता है, ग्राम परसेंटेज तक, तो उस निशान तक जो है उस रक्त नमूने का हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी, वही जो है हमारा रिपोर्ट होगा। तो ये जो है सिंपल मेथड था इसमें, और जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।